हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो लेकर आया हूँ इंडो एंग्लियन राइटर्स और उनके द्वारा लिखे गए चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँ कि ये ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जनरल कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जीके में भी अब पूछ देता है प्रश्न किनके द्वारा किनके कौन चैप्टर लिखा गया है, वो भी पूछता है। और मैं इसको शॉर्ट बाय शॉर्ट करके रख रहा हूँ और देखते जा रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो मेरे बिना नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि छोटा छोटा करके आपके प्रिपरेशन को फुल कर दें और छोटा छोटा जो पीरियड होता है उसको आपको एक्सेप्ट करने में, आपको उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद मिलती है। बहुत जल्दी हम उसको क्विक हम उसको कैच करते हैं और इसलिए छोटा रहता है। तो चलिए हम देखते हैं रविनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है हेवन ऑफ फ्रीडम। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, गीताजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए रविनाथ को 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये पता होगा गीताजी को लिखे है आर एन टैगोर यानी रविनाथ टैगोर। अगला है कमला दास। क्या है कमला दास? द ओल्ड प्ले हाउस। इसे ठीक कर कमलादास द ओल्ड प्ले हाउस। कमलादास द ओल्ड प्ले हाउस। तोरु दत्त, ध्यान में क्या है तोरु दत्त? तोरु दत्त लोटस, ध्यान में लोटस। तोरु दत्त क्या लिखे हुए लोटस। अगला है सरोजनी नाई। अगला क्या है सरोजनी नाई? सरोजनी नाई, सरोजनी नाई। द विलेज सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग। सरोजनी नाई द विलेज सॉन्ग। अगला देखेंगे सर अरविंद, सर अरविंद। शायद बहुत इंपोर्टेंट है सर अरविंद, यानी आने टाइम और क्या रहेगा फ्रीडम या गीतांजलि। गीतांजलि के ही लिखे हुए गीतांजलि, और ये है सर अरविंदो के सावित्री। बहुत बार पूछा वो क्वेश्चन, बहुत पूछता है, हर जगह पूछता है, ध्यान दे। सर अरविंदो सावित्री हेनरी ट्रिलोजी, हेनरी डिरोजियो, ध्यान देंगे हेनरी ट्रिलोजियो। माय नेटिव लैंड, माय नेटिव लैंड, ध्यान देंगे माई नेटिव लैंड। एक बार मैं फिर से एंड ऑफ एंगलियन राइटर्स और उनके द्वारा लिखे गए चैप्टर पर फिर से मैं चर्चा बताना चाह रहा हूँ। आर एन टैगोर, आर एन टैगोर के मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखे हैं हेवन ऑफ फ्रीडम, क्या लिखे हैं हेवन ऑफ फ्रीडम। इसके साथ साथ मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है और ये बहुत फेमस था, और इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो हमारे भारत में इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। पिछले में मैं अरुंधति बताया था, अरुण धवत
जो डी एच के बाद टी छुटा हुआ था पिछले दिन जो हम राइटर चेक पे बताए थे उसमें, तो आप ध्यान देंगे उसको, ध्यान देंगे उसको, ये कर लेंगे वो मिस्टेक से ऐसा हुआ था जो मैं फिर से याद करा देता हूँ पिछले बार में, और यूपी में डी एच के बाद टी छुटा था उसको आप ध्यान देंगे और उसको कर लेंगे, जब नोट करते हैं उसको ध्यान देंगे। तो मैं समझता हूँ उसको ध्यान से देखेगा और हमेशा ये पूछता है राइटर चेप्टर में भी और जीके में भी। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।